एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेनियल नर्व्स। जैसा कि नाम से ही पता है, क्रेनियल मतलब कि जो कि ब्रेन से या फिर ब्रेन स्टेम से ओरिजिन करता है। नर्व्स तो हमें पता ही हैं, तो क्रेनियल नर्व वो सारी नर्व्स हैं जो कि ब्रेन या ब्रेन स्टेम से ओरिजिन करती है। ये ध्यान रखना है, ब्रेन और ब्रेन स्टेम से ओरिजिन करती हैं। कितनी होती हैं? 12 पेयर होती हैं। 12 नहीं होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं, मतलब 24 क्रेनियल नर्व्स होती हैं दोनों साइड के लिए। अब ये हम पढ़ेंगे कैसे? इसकी स्टडी करने के लिए हमें ब्रेन का इन्फीरियर सरफेस की स्टडी करनी पड़ती है, और ये ओरिजिन फ्रंट से बैक की तरफ आप इसको पढ़ते हो। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये इन्फीरियर व्यू है ब्रेन का। यहाँ पे फ्रंट से लेके बैक साइड में आपको नर्व्स दिखाई दे रही हैं, वो सारी हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं। अब नर्व्स कितने टाइप की होती हैं? मेनली तो दो टाइप होती हैं, एक सेंसरी होती है, एक मोटर होती है। सेंसरी मतलब एफरेंट, और जो हमारा मोटर है वो मतलब है इफरेंट। सेंसरी का मतलब होता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन बाहर से लेके कहाँ पे आ रही है? हायर सेंटर, मतलब ब्रेन में। और जो मोटर है वो क्या कर रही है? इन्फॉर्मेशन को लेके जा रही है ब्रेन से कहाँ पर? इफेक्टर ऑर्गन पे, मसल्स पे, जो भी उसका टारगेट है वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं। तो ये तो हमारी दो मेन टाइप की नर्व्स होती हैं। एक और टाइप की नर्व होती है, वो होती है मिक्स्ड नर्व। मिक्स तो नाम से पता चल रहा है, मिक्स मतलब दोनों मिक्सिंग हो गई है वहाँ पे, कुछ सेंसरी भी हैं कुछ मोटर भी हैं। तो मेनली जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं यही तीन टाइप की होती हैं, कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ मिक्स्ड होती हैं। शुरू में जब हम पढ़ना पहली बार पढ़ते हैं ना क्रेनियल नर्व्स, तो थोड़ी दिक्कत लगती है कि नाम याद नहीं हो रहा है या ये याद नहीं हो रहा कौन सी सेंसरी है कौन सी मोटर है। तो उसके लिए हम कोई भी नमोनिक बना सकते हैं। शुरू में नमोनिक बनाना पड़ता है, बाद में तो आप ऐसे ही ऐसे फटाफट आपका पूछेंगे ना 6th बताओ 7th बताओ, ईजिली आप बता सकते हो। तो वही क्रेनियल नर्व के नाम याद करने के लिए और कौन सी नर्व सेंसरी है कौन सी मोटर है उसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है। नाम याद करने के लिए एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। जैसा आपको याद होगा, मैंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए भी यूक्रेन और रशिया की एक स्टोरी सुनाई थी आपको, तो वही स्टोरी यहाँ पे भी लिंक करने की कोशिश की है। तो देखो स्टोरी क्या है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, ऑपरेशन मतलब ये लड़ाई का जितना भी प्रोसीजर चल रहा है, ये हुआ कैसे? तीन लोगों की खींचतान की वजह से। अब वो तीन लोग कौन कौन से हैं? एक रशिया है, एक यूक्रेन है और अमेरिका, जिसने प्रोवोक किया था। तो तीन लोगों की खींचतान, दूर ले जाना, एबडक्ट करना, इनकी वजह से ये चीज़ें शुरू हुई। लेकिन यूक्रेन ने क्या किया? बड़ा क्लेवरली, बड़ा ग्रेटली उसको फेस किया है। मतलब रशिया जो सोच रहा था ना कि मैं दो दिन में यूक्रेन को अपने अंडर में ले लूँगा, तो वो कर नहीं पाया है। तो यूक्रेन ने बड़ा क्लेवरली, बड़ा ग्रेटली उसको सबको फेस किया है। और आज की डेट में तो क्या हो गया कि उसको वेरियस एसेसरीज मिल रही हैं और देशों से, उसको बड़ी हाईटेक हेल्प दी जा रही है। जिस इसी की वजह से तो ये है कि आज तक यूक्रेन सस्टेन किया हुआ है इस वार में। तो ये हमारी कहानी हो गई। क्या कहानी हो गई? All operations occurred through triangular abduction, faced very cleverly, greatly, various spinal accessory और खाली accessories, various accessory, high-tech help। तो ये तो है story, जो हमने story है ना उसके words को link किया है। All operations occurred through triangular abduction, faced very cleverly, greatly, various accessory and high tech। तो ये तो कहानी को हमने words में इकट्ठा किया है। अभी जो हमने words लिए हैं ना, इसी से हम इनके नाम याद करेंगे। देखो all operations occurred through, all operations occurred through, अब इनके नाम जो हम word है ना उनके पहले पहले देखो, all से olfactory, operation से optic, अकर्ड से ऑक्यूलोमोटर, देन थ्रू से है ट्रॉक्लियर। तो ये चार नर्व हो गई, ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर। किसके थ्रू हुआ है? ट्राइजैमिनल एब्ड्यूसेंस, ट्राइजैमिनल एब्ड्यूसेंस और ट्रायंगुलर एबडक्शन, तीन लोगों के खींचा तानी की वजह से हुआ है। तो नेक्स्ट क्या हो गई? ट्राइजैमिनल एंड एबड्यूसेंस। यहाँ तक कहानी हो गई। बट यूक्रेन ने क्या किया? उसको बड़े अच्छे से फेस किया है, क्लेवरली फेस किया है। तो फेस्ड वेरी ग्रेटली, तो फेस से है फेशियल, वेरी से है वेस्टिबुलो कॉक्लियर,
ग्रेटली से है ग्लोसोफेरेंजियल। अब उसके साथ क्या हो रहा है कि उसको वेरियस एसेसरीज और हाईटेक हेल्प दी जा रही है। तो वेरियस से है वेगस, एसेसरीज से है स्पाइनल एसेसरी और हाईटेक से है हाइपोग्लॉसल। तो हमारी कौन कौन सी नर्व्स हो गई, ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजैमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, देन स्पाइनल एसेसरी एंड देन हाइपोग्लॉसल। तो ये नर्व के नाम है, यही हमने स्टोरी बताई थी। ऑल ऑपरेशंस अकर थ्रू ट्रायंगुलर एबडक्शन फेस्ड वेरी क्लेवरली ग्रेटली एंड वेरियस एसेसरी एंड हाईटेक हेल्प। तो ये कहानी थी, कहानी के हमने कुछ वर्ड्स लिए, उनके साथ हमने इन नर्व्स का नाम ऐड कर दिया। तो ये तो हो गई हमारी क्रेनियल नर्व्स के नाम। अब हमको ये देखना है कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है। तो उसके लिए देखो, जो एस है वो तो हम सेंसरी के लिए यूज़ करेंगे, एम हम मोटर के लिए यूज़ करेंगे। अब मिक्स्ड के लिए हम दोबारा एम तो नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो मिक्स और मोटर दोनों एक हो जाएंगी। तो हम इसके लिए एक अलग लेटर यूज़ करते हैं, और वो लेटर हम यूज़ कर रहे हैं बी, बी फॉर ब्रेन। ठीक है, तो जहाँ भी मोटर होगी वहाँ एम से कोई वर्ड होगा, जहाँ सेंसरी होगी वहाँ पे एस से कोई वर्ड होगा, और जहाँ पे मिक्स्ड होगी वहाँ से बी से कोई वर्ड होगा। अब उसके लिए भी एक कहानी है, एक निमोनिक है, वही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वो निमोनिक क्या है, सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। ये जो है ना, सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोस्ट, ये तो लाइफ में भी अप्लाई करना कि खाली पैसे के पीछे मत भागना, जिनके दिमाग हो वो भी देखना। सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोस्ट। तो जहाँ पे एस है वो सेंसरी है, जहाँ पे एम है वो मोटर है, और जहाँ पर हमारा बी है वो कौन सी हो गई, मिक्स नर्व। तो सम से मैरी मनी, तो जहाँ पे एस इज सेंसरी, एम इज मोटर एंड बी इज मिक्स्ड। तो ये क्या हो गया, ये हो गए हमारे कौन सी नर्व सेंसरी है, कौन सी नर्व मोटर है। तो जैसे हमारा ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर हुआ ना, ये तो नाम है। और वैसे ही हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, कौन सी सेंसरी है, सम से मैरी मनी, मतलब कि पहली सेंसरी है, दूसरी सेंसरी है, तीसरी मोटर है, और जो चौथी है वो भी मोटर है। तो ऐसा, सो आई एम श्योर कि इस कहानी से, इस निमोनिक से आप ये याद रख पाएंगे कि कौन सी क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, नंबर क्या है, और वो सेंसरी है या मोटर है या फिर मिक्स्ड है। आगे के आने वाले वीडियोस में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।